से ब्रेकअप का तो आप दोनों को काफी एक्सपीरियंस होगा। सो दिस शुड नॉट बी न्यूज फॉर यू गाइस। एक दूसरे को इंस्टा पे अनफॉलो करो, स्नैपचैट पर एक दूसरे को ब्लॉक करो और सारी साथ ली हुई सेल्फीज फौरन डिलीट कर दो और एक दूसरे के फोन में अपने नाम बदल कर बिच स्लट हो जो भी रखना है रख दो, बिकॉज आज से तुम दोनों की फ्रेंडशिप खत्म। वेट, ऐसे जीतते हैं। नताशा एक बात पूछूं? प्लीज कॉल मी एजेंट ऑस्कर। यार हम काम पर थोड़ी हैं। ट्रम्प की बीवी भी उसे मिस्टर प्रेसिडेंट ही कहती होगी, लेकिन घर पर उसका नाम दरियाई घोड़ा ही रखा होगा उसने। हाँ वैसे केस तो कोई है नहीं, जानते हो अच्छे केस और अच्छे बॉयफ्रेंड का वेट कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। खैर पूछो क्या पूछ रहे थे। डू यू बिलीव के रिलेशनशिप खत्म होने पर लड़का लड़की दोस्त रह सकते हैं? यार राइट, देखो बाकी से आप अपनी जगह कि जो बेबी, डार्लिंग, स्वीटहार्ट, ये वर्ड जो है ना इंसान की वोकैबुलरी खराब कर देते हैं। उसके बाद आप उसी इंसान के साथ नॉर्मली कैसे बिहेव कर सकते हैं? तुम जानते हो कुत्ते का नाम अगर टाइगर रख दो ना, रहता वो कुत्ता ही है। खैर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी एक्स तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती है क्या? जो मेरी एक्स थी ना वो पप्पो की बेटी थी। अब जब भी मैं पप्पो के घर जाता हूँ ना तो मेरी एक्स मुझे भाई कहती है। याइक्स। वो मैं पूछ इसलिए रहा था कि जब से तुम्हारा और एजेंट ब्लैक का ब्रेकअप हुआ है तो तुम दोनों एक दूसरे को बहन भाई समझते हो या दोस्त? देखो एक बात समझ लो, वी आर जस्ट कॉलीग्स, ऑलराइट? और मैं बोर हो गई हूँ बहुत ज्यादा। आई थिंक आई शुड गो होम। यार कुछ और खेल लेते हैं क्या? वी हैव अ केस बेबी। ओह बेबी, I mean, नताशा एक केस आया है। Vocabulary, you know. क्या vocabulary? नहीं नहीं कुछ नहीं, खेलें? इसकी मत सुनो, बकवास करने की आदत है इसे। What's the case? केस वैसे क्या है केस? वही रिश्ता.com। तो ये तो कोई भी हैंडल कर ले। सॉरी, बकवास बंद करो। लड़कियां सिर्फ दो सिचुएशंस में चीट करती हैं, या तो उनका दिमाग खराब हो जाता है या उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है। तुमने इस बेचारी पर चीट क्यों किया? बेचारी? ऑफ कोर्स बेचारी। देखो नॉर्मली हमारे पास जो केसेस आते हैं ना वो लड़के लड़कियों के ब्रेकअप्स के होते हैं। फ्रेंड्स का केस पहली दफा आया है। I have not cheated on her. वो अभी भी मेरी BFF है। #friendsforever, #friendshipgoals। देखिए फरियाल को लगता है तुमने BFF चेंज कर ली है। #change, #new friend। No, why would she say that? #IDK। अभी तुम्हारे हैशटैग को sad smiley में बदलते हैं। We have a list, you know. तुम शॉपिंग पे गई अपनी BFF के बगैर। BFF के साथ कोई ऐसे करता? उसके बाद वीकेंड पर फुल मेकअप के साथ सेल्फी ली, कैप्शन लगाया नो फिल्टर, BFF को बताया भी नहीं। BFF के साथ कोई ऐसा करता? You had a crush on a boy, ये बात भी BFF को नहीं बताई। BFF के साथ कोई ऐसा करता भला? और अपनी बेस्ट फ्रेंड की पोस्ट को सिर्फ लाइक किया, कोई प्यारा सा कमेंट भी नहीं छोड़ा। BFF के साथ कोई ऐसा करता? अरे बस बस बस, BFF है या बॉयफ्रेंड जो हर चीज का ख्याल रखूं? आप जानती हैं BFF की कमिटमेंट बॉयफ्रेंड की कमिटमेंट से बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज लड़के आते जाते रहते हैं। लेकिन BFF एक ऐसे टैटू की तरह होता है जो एक दफा लग जाए ना कब्र तक साथ जाता है। बट आई डोंट हैव अ टैटू। BFF के साथ कोई और एग्जांपल दो ना। ओके, BFF एक ऐसे टॉर्च की तरह होता है जो अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है। क्या रेड? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप मेरी फरियाल से बात करवाएं। ignored me. Me. Can you imagine? Exactly. How could she do that? आपको इग्नोर और बर्दाश्त करना काफी मुश्किल है. Exactly. What do you mean? I mean, continue please. हमने अग्री किया था कि हम बाजू पे एक साथ टैटू बनवाएंगे. अब कहती है कि बॉयफ्रेंड ने कहा है कि बाजू पे नहीं, कहीं और टैटू बनवाओ. I mean, ये कोई बात हुई भला? स्नैपचैट पे हमारी स्ट्रीक भी खत्म कर दी. स्ट्रीक? मुझे पता नहीं ये स्ट्रीक है क्या, पर टू बैड. एनीवे, अब नील कलर, हमने डिनर पर एक जैसा नील कलर भी नहीं लगाया. आपको पता है हमने 4 सेल्फीज ली, उसने पोस्ट सिर्फ एक की. मैं बता रही हूँ, इसने किसी और को BFF बना लिया. ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो मुझे बदली बदली लग रही है. जब तक वो रात को 1.5 घंटा अपने बॉयफ्रेंड की बुराई ना कर ले, उसको नींद नहीं आती. और 8 दिन हो गए और उसने मुझे अब तक कॉल भी नहीं किया. 3 से 4 दिन गुजर गए और उसने अपने खानदान वालों की बिचिंग तक नहीं की है मेरे साथ. कपड़े पहन के कैसी लग रही हूँ ये तक नहीं पूछा. और 2-4 दिन से उसे किसी पे क्रश तक नहीं हुआ है. आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट नॉर्मल. चाय कॉफी? इसको बोले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन BFF सिर्फ यही है मेरी. इसको बोले ऐसे कौन से दोस्त हैं जो BFF को ही नहीं पता. इसको बोले जेलस ना हो. इसको बोले जेलस होती है मेरी जूती. मैं भी ना किसी और को अपना BFF बना लूंगी. क्या हो गया? BFF बना रहे, समोसा चाट बना रहे, जब दिल चाहे बन जाए. और ये आपने हम दोनों को बीच में क्यों बिठाया हुआ है? डिवोर्स लॉयर्स की तरह एक दूसरे के साथ डायरेक्टली क्यों नहीं बात कर रहे? देखो फरियाल, अगर 2-3 दिन मैंने तुम्हारी पिक्चर पर माय प्रिंसेस कमेंट नहीं किया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम दोस्त नहीं हैं। बात सिर्फ कमेंट्स तक की नहीं है ज़ारा. I've put on a bit of weight. और तुमने ये भी नहीं कहा कि मैं वेट बढ़ा के कितनी क्यूट लगती हूँ. वेट बढ़ा के तुम रीच लगती हो, क्यूट नहीं. जो भी है, पर इंसान बोलता तो है ना. तुम नेबर्स के साथ समर सेल्स पे गई और तुमने मुझे नहीं बताया. तुमने मॉल जाके स्टॉल से फ्री मेकअप करवाया, तुमने मुझे नहीं बताया. तुमने नई हील्स ली और मुझे पहनने के लिए नहीं दी. और तो और हम इंस्टाग्राम पे लाइव भी नहीं गए और हमने नए हैशटैग्स भी क्रिएट नहीं किए. तुम वीकेंड पे मेरा नाम लेके घर से बाहर भी नहीं निकली और हमने अंडे वाला बर्गर भी नहीं खाया. मुझे लगता है तुमने किसी और को अपना BFF बना लिया. नहीं फरियाल, वी आर टुगेदर. हैशटैग फ्रेंड्स फॉर लाइफ. But what? We are mature now. I need some space. वैसे BFF तो BFF ही होता है. बीच में space कहाँ से आ गया? Yeah, I'm sure कोई ना कोई scene तो है, वरना these two girls are really close. Maybe. कभी कभार तो BFF से भी breakup करने का दिल करता है इंसान का. नहीं कर सकते. I did the background check. ज़हरा की कोई भी BFF नहीं मिली. तो इसका मतलब फरियाल को गलत लगता है कि उसने नई BFF बना ली. नहीं, उसका शक भी दुरुस्त है. एक सेकंड, अगर उसकी कोई नई BFF नहीं है और उसका शक भी दुरुस्त है तो what does that mean? इसका मतलब ये हुआ कि मसला फरियाल के बॉयफ्रेंड को है. हाँ? उसने कहा है कि या तो BF रहेगा या फिर BFF रहेगी. ओह, और ज़हरा ने BF को चूज किया फरियाल की जगह. या हमें ये बात फरियाल को बतानी चाहिए. बतानी नहीं चाहिए, उससे उगलवानी चाहिए. Okay. No, thank you. वैसे ब्रेकअप का तो आप दोनों को काफी एक्सपीरियंस होगा. So this should not be news for you guys. एक दूसरे को इंस्टा पे अनफॉलो करो, स्नैपचैट पर एक दूसरे को ब्लॉक करो और सारी साथ ली हुई सेल्फीज फौरन डिलीट कर दो और एक दूसरे के फोन में अपने नाम बदल कर बिच स्लट हो जो भी रखना है रख दो, बिकॉज आज से तुम दोनों की फ्रेंडशिप खत्म. वेट, व्हाई वेट? हाँ उसको अपनी स्पेस चाहिए और तुम कोई नया BFF बना लोगी। तो फिर इस दोस्ती को इतना लंबा क्यों घसीट रहे हो? Just end it। यार हम लोग इतने सालों से दोस्त हैं, ऐसे थोड़ी होता है। आई एम सॉरी फरियाल, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी। You know what? I knew it। क्योंकि तुम एक नंबर की कमीनी। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही, यू नो ना, मैं कितनी पागल हूँ। तो ऐसे तो कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसे ही, खास रीजन नहीं है। आप इनको बताती हैं या मैं बताऊँ? क्या कह रही हैं ये? क्या वजह? वो फरियाल, माय बॉयफ्रेंड डजंट लाइक यू। अब हम BFF नहीं रह सकते। What? I understand यार। बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा फ्यूचर है। थैंक यू यार। उसे लगता है कि हर वक्त मैं तुमसे ही बात करती हूँ और सेल्फीज भी तुम्हें ही भेजती हूँ। और फिर तुम उसकी कितनी बेइज्जती भी तो करती हो ना। और तुमने उसके दोस्त को थप्पड़ भी तो मारा था। उसकी तुम्हें I mean, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होता ना तो सड़क पे जलील होता मुझसे। Anyways, मैं चलती हूँ। #liveyourlife। कमीनी, तुझे क्या लगा कि मैं एक बॉयफ्रेंड के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को छोड़ दूंगी? और वो भी ऐसे छह बॉयफ्रेंड के लिए। तो उसका क्या करोगी फिर? उसे रहना है तो रहे, वरना जहन्नुम में जाए। तुम ही मेरी पहली और आखिरी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हो। अच्छा अब चलो ना, चलते हैं। एजेंट ब्लैक, हम दोनों BFF नहीं बन सकते? नहीं, लड़के BFF क्यों नहीं बन सकते ब्रो? यार प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि लड़कियां जब BFF बनती है ना तो उन्हें लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर लड़के BFF बने तो यू नो, मीठा केक, डिफरेंट बातें। यार ये तो सीधा सीधा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना। बाय द वे, नताशा ने अपने BFF को तुम्हारी वजह से छोड़ा था, राइट? हाँ, इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसकी BFF थी ना, मुझ पे लाइनें मारी थी। छोड़ा तो था ना यार। Why don't you guys just match a man? वो भी सिंगल है और तुम्हें भी कोई मुंह नहीं लगाता, ऐसा है ना? नहीं लगाता ना कोई मुंह, है ना? देखो मैंने तो देखा है, कोई नहीं लगाता, ऐसा है ना? इधर आओ बेस्ट फ्रेंड। What the फर्क पड़ता है यार, पड़ा ना। वैसे वो अकेली बैठी भी है और तुम्हारा पूछ भी रही थी वो, तो अगर तुम चाहो तो बात कर सकते हो जाके उससे। पूछ रही थी? हाँ, 2 दफा पूछा है। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता कि मैं उसके पास जाऊँ और बात करूँ। यार देखो, मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर तुम जाओगे और बात करोगे तो देखो तुम्हारा ही फायदा है। चलो, अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो चला जाता हूँ। मैं फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हारा दिल भी है। नहीं, मुझे पता तुम फोर्स कर रहे हो। नहीं, पक्का नहीं कर रहा। अरे नहीं होता है, मुझे पता तुम दिल से नहीं कर रहे। लाफिस या अल्लाह, मैं तो अभी रिश्ते करवाने वाली बना हुआ हूं। एक लड़की मुझे भी प्लीज, बस एक। Yes.